आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इसके लेके आए हैं आपके लिए पूरी जन्म कुंडली, बताएंगे क्या है फंडामेंटल व्यू और टेक्निकल पोजीशन क्या होनी चाहिए आपकी इस स्टॉक में। साथ ही साथ में हम बात करेंगे, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट पब्लिश की गई है इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च ग्रुप ने, जिसके बारे में हम यहां पर एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि आपकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। आइए चलकर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपका पोर्टफोलियो साइज 10 लाख या उससे ज्यादा है तो 15 सेकंड दीजिए, अदरवाइज 15 सेकंड स्किप करके आगे जा सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव रेगुलर अर्निंग करना है, डे ट्रेडिंग कर इंट्राडे ट्रेडिंग में फ्यूचर एंड ऑप्शन का हमने एक स्पेशलाइज कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें आपको चीजों की बारीकियां समझाएंगे। 15 दिन का कोर्स है, पहले दिन आपको क्लासरूम स्टाइल में ट्रेडिंग सिखाई जाएगी और फिर 14 दिन अगले उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। कुछ गलतियां भी होंगी, उससे लेसन लर्न सिखाए जाएंगे और साथ ही साथ में आपको बताया जाएगा आगे आप अपनी ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं। आइए चलकर हम बात करते हैं अब जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। उससे पहले आपको बता दें, पिछले हफ्ते वन ऑफ अवर न्यू मेंबर्स हैव अर्न 43,000 रुपीस। तो देखिए, 10,000 रुपए का कोर्स सीखने को भी मिल रहा है और साथ में पैसा कमाने को भी मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, जो हमारे पास स्टडी की आई है उसमें उन्होंने ग्लोबल टेलीकॉम टावर मार्केट 2025 का ट्रेंड्स एक कंप्रिहेंसिव स्टडी की है और उसके करंट ट्रेंड्स बताए हैं, जिसमें अमेरिकन कंपनी अमेरिकन टावर, AT&T टावर्स, क्राउन कसल इंटरनेशनल और इंडिया की GTL इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम भी इसमें है। इंडस टावर का भी नाम है एक्चुअली इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में कुछ चैलेंजेस रहेंगे मार्केट में और कुछ टेक्नोलॉजी उनको एडवांसमेंट देगी। ये रिपोर्ट जो एनालाइज की गई है उसकी मल्टीपल सेक्शन है, हमने उस स्टडी हमारी टीम ने उस स्टडी को रिपोर्ट किया है, रिपोर्ट को स्टडी किया है और उसमें इन्होंने सारे के सारे ग्लोबल रीजन्स के बारे में बात की है और आने वाले समय में क्या चीज टेलीकॉम सेक्टर के टावर्स को इन्फ्लुएंस करेगी, क्या होंगे डोमिनेट इम्पैक्टर और क्या है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस। 5G एक सबसे बड़ा फैक्टर बताया है आगे आने वाले समय में, उसका विश्लेषण करेंगे आगे चलकर। अब यहां पर जो कंपनीज बात की गई है उन्होंने, देखिए जैसा हमने बताया टी मोबाइल टावर यूएस की कंपनी है, इंडस टावर इंडिया, आपका जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो काफी बड़े बड़े लोगों के नाम किए हुए हैं उन्होंने इस स्टडी के अंदर। और इसके अंदर उन्होंने जो टावर सेगमेंट टाइप किए हैं वो है बेसिक टावर स्ट्रक्चर, मैस्ट स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन जो होती है वो उसमें कम्युनिकेशन, रेडियो, नेविगेशन, रडार और अदर्स, सब जगह की तरह से उन्होंने उसको स्टडी करने की कोशिश की है। अब देखिए, आने वाले समय में 5G का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अगर हम बात करें 3 मिनट में आप 5G में पूरी की पूरी मूवी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। तो यहां पर अभी आपको अगर YouTube का चैनल भी देखना है तो आपको रुक रुक के देखना पड़ता है। तो इसलिए 5G इज अ मस्ट हैव, जो बेसिक नेसेसिटी है टेलीकॉम सेक्टर में वो यहां पर भी आएगी। अब जब आएगी तो उसके लिए टावर्स चाहिए। देखिए दोस्तों, सिग्नल अपने आप तो आएंगे नहीं, टावर कंपैटिबल होने चाहिए 5G के। तो ये कौन प्रोवाइड करेगा? GTL इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनी ही प्रोवाइड करेंगी, ये उनकी सबसे बड़ी खुलासा किया है इस रिपोर्ट के अंदर। और 5G के चलते हुए जो क्यूमुलेटिव अक्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट है वो बताई गई है 12% होगी आने वाले समय में, तो जियो की एक बहुत बड़े ग्रोथ रेट रहेगी। अगर आपको रिपोर्ट की डिटेल चाहिए तो ये रही उनकी कंपनी की और इंफॉर्मेशन, आप जहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्केट कैप की दृष्टि से देखा जाए तो 937 करोड़ की कंपनी है और डेली वॉल्यूम देखा जाए तो इसमें करीब करीब 2.3 करोड़ हैंड एक्सचेंज होते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 55% जो है वो आपको यहां पर डिलीवरी होती है। तो 50% के आसपास ट्रेडिंग होती है, 45% के आसपास ट्रेडिंग होती है, 55% के आसपास यहां पर डिलीवरी होती है। अब देखिए, कोविड का इंपैक्ट अगर किसी सेक्टर में पॉजिटिव है तो लोगों ने डाटा कंजम्पशन ज्यादा कर दिया है इंडिया में और आगे चलकर मैक्रो कंडीशन फर्दर इंप्रूव हो रही है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो। अब अगर हम बात करें यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए यहां पर सबसे ज्यादा अगर प्रमोटर की बात करें तो केवल 3% की प्रमोटर की होल्डिंग है। आप इस बात को समझिए, प्रमोटर से ज्यादा DII यहां पर होल्ड करते हैं 61%, और इच्छा से नहीं क्योंकि डेब्ट की प्रॉब्लम थी। उसके अलावा पब्लिक के पास 32% की होल्डिंग है, FII के पास महज 2% की होल्डिंग है। तो इस हिसाब से देखा जाए यहां पर एक रेड फ्लैग आपके लिए, प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है और DII की होल्डिंग काफी ज्यादा है, जो कि जबरदस्ती का सौदा आप इसको कह सकते हैं।
चैनल का 5x5 रूल हमेशा ध्यान रखना है, ये आपकी वेल्थ को प्रोटेक्शन के काम आएगा। एक स्टॉक में 5% से ज्यादा वेल्थ मत लगाइए अपनी। ऑपरेशन से क्या हो रहा है, तो ये पिछला फाइनेंशियल ईयर बहुत अच्छा था इनका, जिसमें 152 कैश फ्लो जनरेट किया गया था, जो कि एक पॉजिटिव मोमेंटम है यहाँ पर। इसके चलते हुए इन्होंने ऑपरेशन एक्टिविटीज बहुत अच्छी हो रही है, तो यहाँ पर बढ़िया काम चलेगा आगे चलकर भी, अगर ये इस तरह से ऑपरेशन एक्टिविटी चलती रही। उससे पिछले साल थोड़ा चैलेंज था, 72 करोड़ का नेगेटिव था और फिर 68 करोड़ का पॉजिटिव मोमेंटम था, तो यहाँ पर अब ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, जो पार्शियल डाटा हमारे पास है कैश फ्लो के रेफरेंस में। अब देखिए इसकी अगर रिवेन्यू की बात की जाए यहाँ पर, तो रिवेन्यू करीब करीब 14 बिलियन रुपीज के आसपास है पर ईयर का यहाँ पर, और अर्निंग थोड़ी नेगेटिव है इस बार यहाँ पर। तो फ्री कैश फ्लो इस बार भी पॉजिटिव रहेगा, करीब करीब 3 बिलियन एक साल में ऑन एवरेज, और यहाँ पर अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो भी 3.9 बिलियन के आसपास रहेगा। अब यहाँ पर रिवेन्यू तो आ रहा है बट उससे अर्निंग नहीं हो रही है, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स उनके ज्यादा हैं यहाँ पर अभी के हिसाब से देखा जाए तो, और उसी के चलते हुए फ्री कैश फ्लो और कैश फ्लो ऑपरेशन बहुत लिमिटेड जनरेट हो पा रहा है। इनकी प्राइमरी रीजन नेगेटिव रिटर्न आने का, इनका जो डेप्ट है जिसकी वजह से उनको पेमेंट ज्यादा करना पड़ता है, तो ये एक आपको चैलेंज है इस कंपनी में, आपको समझना। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। और जो ये वीडियो है ये एजुकेशन पर्पस के लिए है दोस्तों। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो एक बार लाइक बटन प्लीज जरूर दबाना, थोड़ी मेहनत लगती है टीम को रिसर्च करके आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लिखाना। अब जरा टेक्निकल व्यू से देखा जाए तो देखिए एक लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाते हैं आपका। काफी टाइम इसने जब हमारा कोविड का लो चल रहा था उस टाइम पर, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो इसने काफी टाइम करीब 20 पैसे के आसपास स्पेंड किया है, 20 से 25 पैसे के आसपास बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया है, और उसके बाद ये सीधा एकदम बढ़कर 1.25 रुपए तक चला गया। उसके बाद रिट्रेस किया, यहाँ पर लेग बी बनी है। अब ये यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली लेग सी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये इसने अपना 1.30 रुपए का हाई नहीं तोड़ा, अगर तोड़ देता तो लेग सी होती। अभी फिर से इसने रिट्रेस किया है, जो कि रेस्पेक्ट कर रहा है अपने पिछले लो के रेफरेंस में, एज लॉन्ग एज ये यहाँ पर 655 पैसे के आसपास इसको होल्ड रखता है, सॉरी 60 पैसे के आसपास होल्ड रखता है, तो ये यहाँ से अप ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा एज पर टेक्निकल पैरामीटर्स। कुछ अगर स्टडी देखे जाए एलिगेटर इंडिकेटर के बेसिस पर, यहाँ पर अभी सेल सिग्नल है बट यहाँ पर वैल्यू इमर्ज हो रही है, बाइंग वैल्यू, जो कि एक बढ़िया पोजिशन बन के आएगी आपको अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए सोच रहे हैं। जब सब लोग डरे होते हैं, जब फियर होता है मार्केट में किसी स्टॉक के लिए, वही एक बढ़िया रेंज होती है खरीदने के लिए। अब देखिए जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंपनी का बुलियंज और बैंड के बेसिस पर जो प्राइस है वो नीचे के हिस्से में काम कर रहा है, यहाँ से अब उम्मीद ऊपर जाने की, और सबसे पहला टारगेट हमारे हिसाब से 1.15 रुपए। यहां पर अगर हम देखें कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकती है प्रक्रिया, तो देखिए जो इसने लो बनाया था उसने इसको यहां पर अच्छा सपोर्ट दिया है। एक फिबोनाची आर्च की दृष्टि से आप अगर इसको देखेंगे तो 1.30 रुपए का हाई है और यहाँ पर 45 पैसे का लो बना था, जो इसने रेस्पेक्ट करना है यहाँ पर, इसको अब छोटा सा एक रेजिस्टेंस रहेगा 80 पैसे के आसपास। अगर 80 पैसे का ये तोड़ के ऊपर चलता है तो सबसे पहला टारगेट इसका शॉर्ट टर्म के लिए 1 रुपया और उसके बाद में 1.30 रुपए, तो ये काफी बड़े लेवल पर यहाँ पर जा सकता है, क्योंकि करंट मार्केट पोजिशन पर इसने काफी अच्छा कंसोलिडेशन कर चुका है। अगर आप इसको यहां पर देखें, देखिए ये चीज आपको समझने की है दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दीजिएगा ताकि टेक्निकल चार्ट पर आपको ये चीज समझ में आए। कंटिन्यूअसली डाउनफॉल हो रहा था, पहला एक सपोर्ट मिला 70 पैसे पर, उसके बाद थोड़ा सा एक रिट्रेस आया, फिर दो बार इसने क्लोजिंग बेसिस पर 70 पैसे को सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया है, तो एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन है। डब्ल्यू का लेफ्ट लेग, डब्ल्यू की सेंटर लेफ्ट लेग, डब्ल्यू की सेंटर राइट लेग, और यहां से अगर ये ऊपर चलकर इसका 85 का लेवल क्रॉस कर देता है ऊपर चलकर 2 या 3 दिन में अगले हफ्ते, तो यहां से फिर डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म हो जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव मोमेंटम होता है ऊपर जाने के लिए स्टॉक के रेफरेंस में। तो ये हमारे हिसाब से इस स्टॉक का टेक्निकल व्यू बन रहा है दोस्तों। अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के हमने सारे टारगेट्स आपको बता दिए, आप चाहे उनको देख सकते हैं, पर हम इसको कम से कम 1.5 साल के लिए आपको रिकमेंड करेंगे, और इसका भाव 1.5 से 2 साल के अंदर आपको 5 रुपए के आसपास मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको अपने पोर्टफोलियो में बना के रखिए दोस्तों। जैसा हमने बताया, अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं, इंक्वायरी करके देखिए, आपको सारी डिटेल पैकेज में मिलेंगी।
आपके लिए जो आपकी गूगल सर्च हिस्ट्री है और जो आपकी यूट्यूब प्रेफरेंस है उसके बेसिस पर हमारे चैनल के 2000 प्लस वीडियो में से आपके लिए 4 वीडियो प्रस्तुत है, आप चाहे तो देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय।